हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्रिजनो, बाइबल बताती है अंत निकट है, रैप्चर कभी भी हो सकता है। मेरे प्रिजनो, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा है, जिस दिन के विषय में, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएगा। मेरे प्रिजनो, हमें तैयार रहना है, हर समय तैयार रहना है, हर घड़ी तैयार रहना है। यीशु मसीह ने कहा है, एक समय की बात है जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे। चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे गुरु, हे स्वामी, हमसे बता दे तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, हमें बता दे। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने एक पावरफुल बात कही थी, एक स्पष्ट बात कही थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें विश्वास से ना भटकाने पाए, कोई तुम्हें पाप में ना गिराने पाए। तुम्हें इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना, बांधना। मेरे प्रिय, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। क्यों पाप कर रहे हो, क्यों सेक्स वीडियो देख ले हो, क्यों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते घूम रहे हो, कब तक पाप करते रहोगे? अंत है सब पापों का। समय है, समय है, लौट आओ, लौट आओ। आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके गुनाहों को परमेश्वर माफ करेगा। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, वरना बहुत बुरा हाल करेगा परमेश्वर। जिस समय आप नर्क में होंगे, उस समय धर्मी जन अनंत जीवन प्रवेश करते होंगे। याद रखना, बाइबल बताती है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि भैया तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। किसी दिन भी तेरे बॉडी से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे, उस दिन तुझे कोई सुसमाचार, कोई दूसरा सुसमाचार तुझे नहीं सुनाया जाएगा। उस समय सब दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे, उस समय तू अंधकार में चला जाएगा, पाताल में उतार दिया जाएगा। इसलिए अपने जिंदा रहते हुए जीते जीवने पापों से मन फिरा लो, तौबा कर लो, परमेश्वर माफ कर देगा। कब तक पाप करते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे? अंत इन सब पापों को, परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु जो मनुष्य अपने व्यभिचार करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, वो अपने देह के विरुद्ध ही पाप करता है, अपने देह के विरुद्ध ही व्यभिचार करता है। इसलिए मन फिराओ, मन फिरा लो, मन फिरा लो, वरना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप गलती से भी यहाँ छूट गए, रह गए, तो आपको रोना भी नहीं आएगा। रोना मैं आपको हर वीडियो में यही बताते चला आ रहा हूँ। समय है, समय है, समय है, लौट आओ, लौट आओ। बंद कर दो खिलवाड़ अपनी जिंदगी से, बंद कर दो पाप करना, बंद कर दो व्यभिचार, लौट आओ यीशु मसीह के पास, लौट आओ, लौट आओ। आज के समय में बहुत सारे मसीह बहन पड़े हैं जो अपना जीवन पापों में, गुनाहों में, व्यभिचार में, गलत चीजों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गवा रहे हैं। वे चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। याद रखना, यदि आप चर्च भी जाते हो और प्रार्थना भी करते हो, बाइबल भी पढ़ते हो और पाप भरा जीवन जीते हो, व्यभिचार करते हो, ताका मुक्ति करते हो, तो याद रखना आपका जीवन व्यर्थ है मसीह में, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है मेरे प्रभु। इसलिए अपने हिसाब किताब से नहीं, परमेश्वर के वचन के हिसाब किताब से जीवन को जियो, जीवन बिताइए। वरना बाइबल बताती है, मनुष्य का एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बेहद ही जरूरी है। उसका न्याय ठहराया परमेश्वर ने, उस व्यक्ति का परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करेगा। याद रखना, न्याय के दिन सबका ढोल, सबका पोल वहीं सिंहासन के सामने खुल जाएगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती 12:36 में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे यह कहता हूँ, और मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे, गंदी बातें कहेंगे, टेढ़ी बातें कहेंगे, वे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कर दोषी और अपनी बातों ही के कर निर्दोषी ठहराया जाएगा। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। मेरे प्रभु, जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखी हुई, चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है। जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, या कहीं भी ऐसे पाप करते हो, गालियां बकते हो, गंदी बातें करते हो, टेढ़ी बातें करते हो, तो याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक इंसान, हर एक मनुष्य का परमेश्वर न्याय करेगा, हर एक मनुष्य अंगीकार करेगा स्वयं सिंहासन के सामने। बहुत सारे लोग चिल्लाते होंगे, रोते होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे प्रभु के सामने और कहते होंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। उस समय किसी के ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, रहम नहीं किया जाएगा। इसलिए समय है, समय है मेरे प्रियम, लौट आओ, मन फिराओ, मन फिराओ।
यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमें अपने पापों से मन फिराना है, पापों पर जय पाना है। मेरे प्रियजन इस वीडियो को शेयर करना अपने मसीह बंधु के पास, आपके एक शेयर से बहुत सारी आत्माएं बच सकती है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, सबको जय मसीह की, गुड लक।